करम परब झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल के जनजातीय समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। करम के त्यौहार को लेकर तरह तरह के प्रचलित कहानियां और मान्यताएं हैं। हर जनजातीय समुदाय एक अलग मान्यता रखता है। आइए जरा कुणमी जनजातीय समुदाय का करम पूजन विधि पर एक नजर डालते हैं। करम डाल की पूजा भादो महीने के एकादशी में किया जाता है। करम के प्रति कुमारी कन्याएं होती हैं। एकादशी के 9 दिन पहले जावा सजाया जाता है। बालू में सृजन हेतु अनाज के बीज बोए जाते हैं। 9 दिनों तक व्रती एक खास नियम का पालन करती हैं, जो एक माँ बच्चे के जन्म देने के बाद पालन करती है। जिसका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा उसके लिए भी वो 11 नियमों का पालन करती है, और समाज में विभिन्न रिश्तों के साथ कैसे रहना है वो भी है। इससे भी बड़ी बात कि वहाँ पर तंत्र है। कैसा तंत्र है कि वो जो धान का पौधा है उसमें आपके शरीर का वाइब्रेशन चला जाता है। कैसे जाता है? मान्यता है कि व्रती जावा यानी अंकुरित अनाज उसके व्रत पालन का गवाह होते हैं, जैसे दही नहीं खाना है, करवट नहीं सोना है आदि। अगर पालन में कोई त्रुटि होती है तो जावा उसी अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। पूजन में खीरा को संतान का प्रतिरूप मानकर सेवा किया जाता है। पूजन बाद व्रती अपने भाइयों को धागा बांधती हैं। अगर कुणमी जनजाति के लोग करम पूजन विधि पर गौर करें तो हम प्रचलित कथाओं से करम पर्व का कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। अगर हम विश्लेषण करें तो पूरा पूजन विधि एक कुंवारी लड़की को मातृत्व का प्रशिक्षण लगता है। हम ये मान सकते हैं कुंवारी कन्याएं जो कुछ वर्षों के बाद ब्याही जाएंगी और मातृत्व का भार वहन करेंगी, उन्हीं कुंवारी कन्याओं के मातृत्व प्रशिक्षण के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। यानी एक तरह से वहाँ पर उस कुंवारी लड़की का सोशलाइजेशन हो रहा होता है, सामाजिकरण हो रहा होता है कि हमको समाज में किसके साथ कैसे रहना है। ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, सिर्फ एक छोटा रिचुअल नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल अकड़ा है।